मुल्क भर की तरह चोलिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। चोलिस्तानियों ने वापस चोलिस्तान का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन आमिर सुल्तान से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, मैं ऐसे मौजूद हूँ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर है चोलिस्तान में। अगर मानसून के हवाले से बात की जाए तो मानसून बारिशों का जो सिलसिला जारी है, इसी तरह फोटाबाद से रात गए से चोलिस्तान और इससे गिरदो नवाब में जो बारिश का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ से जो चोलिस्तानी जो बशिंदे थे वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए तो 48+ जो टेम्परेचर हो गया था। यहाँ के जो टोपा जाता वो भी खुश्क हो गए थे और चोलिस्तान का जो दारमदाद पानी पा रहा है। तो इसी वजह से मेरे साथ बात करने के लिए एक चोलिस्तानी बशिंदे भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि बुज़ुर्गों बारिश हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बारिश हो गई है, अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई है। टोपे पर भरे गए, माल डंगर बड़ा खुश है, पिया सरसब्ज हो गया पिया। अगे बहुत तंगी आई पी, बड़ी गर्मी, बहुत गर्मी पै रही थी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि गर्मी की वजह से उनके जो जानवर है वो भी प्यास से मरना शुरू हो गया था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी शिद्दत भी, लेकिन अब वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि बारिश से वो टोबा जात में पानी भी जमा हो चुका है। और यहाँ पर ये भी बताता चलो, यही टोबा जात जो पानी है ये सारा लोग इन्हीं बारिशों का जो पानी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने लिए और अपने जानवरों के लिए। तो इसी तरह जो चोलिस्तानी वो